वेलकम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ केयर सेक्टर की बहुत ही बड़ी डील जो कि कल हुई। बायोकॉन की एक आर्म बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने कल यूएस बेस्ड वाइट्रिस को एक्वायर किया है बाय पेइंग $53.34 बिलियन। यस, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट और ये बहुत ही बड़ी डील है। एंड बायोकॉन इज ऑलरेडी पार्टनर विद द वाइट्रिस फ्रॉम लास्ट मोर देन 10 ईयर्स, बट यस्टरडे बायोकॉन हैव एक्वायर्ड वाइट्रिस बाय पेइंग $3.34 बिलियन। तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज एज वी सी एज पर द बिजनेस पर्सपेक्टिव। बट मार्केट ने कल उसके लिए एक अपोजिट रिएक्शन दिया एंड बायोकॉन हैव फेल्ड मोर देन 12% यस्टरडे। आपने देखा होगा कल का चार्ट, अगर मैं आपके लिए ओपन कर देता हूँ वन डे, बायोकॉन हैव फॉलन बाय 12% यस्टरडे। तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, और अगर आप बायोकॉन में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो क्या आपको इस डील के बाद रुकना चाहिए, या बीइंग एन फ्रेश इन्वेस्टर क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड अल्टीमेटली हमारे इस वीडियो के बाद आप अपनी फाइनेंशियल स्टडी करिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन टू दिस स्टॉक। पहले तो हम देखते हैं ये डील क्या थी एग्जैक्टली। तो हम जानते हैं इस डील के बारे में फ्रॉम किरण मजूमदार शॉ, जो कि एक हेल्थ केयर सेक्टर में शी इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और उन्होंने बायोकॉन और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा काम किया है पिछले दशकों में। तो शी इज अ एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ बायोकॉन। देखिए, दिस इज द डील, एक्विजिशन फॉर 3.3 बिलियन इन द स्टॉक एंड कैश ऑफ वाइट्रिस, दैट इज द बिगेस्ट डील इन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो इससे बायोकॉन क्या देख रहे हैं, व्हाट बायोकॉन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस डील, द कॉम्बिनेशन क्रिएट्स अ ग्लोबल एंड वर्टिकली इंटीग्रेटेड बायोसिमिलर लीडर। या जैसे मैंने आपको कहा, बायोकॉन वॉज ऑलरेडी पार्टनर विद द वाइट्रिस फ्रॉम मेनी ईयर्स, बट जो बायोसिमिलर बिजनेस है इसमें लीडर बनने की इच्छा से उन्होंने वाइट्रिस को टोटली एक्वायर कर लिया है। तो ये डील एग्जैक्टली क्या है, $3.3 बिलियन की, जिसमें कि कैश पेमेंट होने वाला है $2 बिलियन का एंड 800 मिलियन उसमें से इक्विटी इन्फ्यूजन से बायोकॉन रेज करने वाला है। एंड रिमाइंडर जो भी है, तो दैट इज अराउंड $1.3 बिलियन का जो रिमाइंडर है, दैट विल बी पेड बाय द डेब। और यही एक कंसर्न था जिसको मार्केट ने एक नेगेटिव रिएक्शन मिला है मार्केट में, कि डेब्ट लेके ये एक एक्विजिशन हो रहा है। बट इज दैट द पॉइंट ऑफ वरी फॉर द इन्वेस्टर्स, तो आई विल से नो, बिकॉज बहुत बार ही ऐसा होता है कि न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है या एक्विजिशन करना है, डेफिनेटली डेप्ट ले रहे हैं, बट इफ इट हैज अ बिजनेस पोटेंशियल ऑफ मल्टीपल टाइम्स इन द अपकमिंग ईयर्स, तो ये डिसीजन लेने पड़ते हैं। यही हम देखते हैं अगली स्लाइड में। जैसे कि जॉ बता रही हैं, ग्लोबल बायोसिमिलर बिजनेस टू ग्रो टू $75 बिलियन इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो दिस इज वाई बायोकॉन ने ये इन्वेस्टमेंट की है, बिकॉज जो बायोसिमिलर का बिजनेस है, इट हैज ह्यूज पोटेंशियल इन अपकमिंग 10 ईयर्स। यही रीजन है इस इन्वेस्टमेंट के पीछे। तो ये तो सारी चीजें हो गई कि जो एक्विजिशन और पॉजिटिव साइड ऑफ द डील जो कंपनी की मैनेजमेंट हमें बता रही है। नाउ व्हाट वी हैव सीन इन द मार्केट, मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में बायोकॉन हैव ओपन एट द हाइज ओनली ₹394.9 पे ओपन हुआ, और ओपन होते ही मार्केट में उसने फॉल करना चालू कर दिया था। ये क्यों हुआ था, बिकॉज दिस न्यूज वॉज आउट इन द मॉर्निंग ओनली। अब इस एक्विजिशन को मार्केट ने नेगेटिव क्यों लिया, तो इसके दो रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। वन इम्पॉर्टेंट रीजन वॉज द डेब्ट, जो कि डेप्ट लेके ये एक्विजिशन हो रहा है, एंड इन्वेस्टर्स उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे या तो वो डेप्ट फ्री हो या वेरी इनसिग्निफिकेंट डेप्ट हो। तो दैट वाज द मेजर रीजन। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन वाज दे हैव पेड अराउंड 16.7 टाइम्स ईवी टू ईबिटा वर्सेस इट्स करंट 6 to 7 ऑफ द वाइट्रिस। इसका मतलब क्या है, उसकी करंट वैल्यूएशन से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के वैल्यूएशन पेड करके ये एक्विजिशन हुआ है। एंड दैट इज द मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर द इन्वेस्टर्स, कि करंटली दो वाइट्रिस का वैल्यूएशन इतना कम है, लेकिन इतने हाई वैल्यूज पे करके क्यों ये एक्विजिशन किया गया है। दीज आर द टू रीजंस, मेजर रीजंस बिकॉज ऑफ दैट मार्केट कल 12% से डिस्काउंट किया बायोकॉन की प्राइस को। तो हम अब चार्ट पे देखते हैं कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने क्या इसे होल्ड करना चाहिए, और न्यू इन्वेस्टर्स जब कोई स्टॉक की प्राइस हमें 10-12% डाउन मिल रही है तो क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
तो ये सारा अब हम टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसे परखते हैं। तो गाइज, हम बीइंग एन इन्वेस्टर वी इन्वेस्ट बाय सीइंग द चार्ट्स ऑफ मंथली एंड वीकली कैंडलस्टिक्स। अगर हम वीकली का चार्ट देखते हैं फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स फ्रॉम द 2016 मार्केट्स हैव ग्रोन एंड बायोकॉन हैव गिवन अ वेरी डिसेंट रिटर्न्स इन द लास्ट 6 to 7 ईयर्स। ओके, बीइंग एन इन्वेस्टर मैं अभी आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ बायोकॉन के बारे में। जैसे कि हमें पता है कल बायोकॉन 12% से डाउन हुआ एंड उसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस वाज 349.60। यही अगर हम देखते हैं वन ईयर में बायोकॉन ने क्या गेन दिए हैं अभी तक, तो पास्ट ईयर इट वाज डाउन बाय 12% ओनली, जो कि कल का फॉल था वही फॉल है ओवर द पीरियड ऑफ वन ईयर। यही अगर हम 5 साल का अगर टाइम पीरियड लेते हैं तो यू कैन सी इन लास्ट 5 ईयर्स बायोकॉन हैव गिवन द रिटर्न अराउंड 100% टू द इन्वेस्टर्स। और उसकी लाइफ टाइम को अगर हम देखेंगे तो इन द लाइफ टाइम ऑफ बायोकॉन दे हैव पेड 622% रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। तो बैक डेटा तो यही बताता है बायोकॉन ने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं टू देयर इन्वेस्टर्स। अब हम चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं क्या अभी इन्वेस्टमेंट के लिए सही मौका है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो क्या आपको वो होल्ड करनी चाहिए। लेट्स गो ऑन टू द चार्ट गाइज। ये आपके सामने मैंने वीकली का चार्ट ओपन कर दिया है एंड बीइंग एन इन्वेस्टर हमें हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में स्टॉक्स को एनालाइज करना चाहिए। और आप देख सकते हैं दिस ब्लैक लाइन इज अ 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और हम देख सकते हैं इन 2019 और उसके बाद 2020 में बायोकॉन ने टच किया था 200 ईएमए, और उसके बाद हम देख सकते हैं किस तरीके की रैली उसने ली थी। एंड 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट इन द व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वी ऑल नो दिस। और इस 200 ईएमए के सपोर्ट के बाद बायोकॉन ने ऑलमोस्ट 130% के गेंस इन्वेस्टर्स को दिए। नाउ दिस इज द सेकेंड टाइम आफ्टर द 2020 कोविड इरा बायोकॉन इज नियर टू इट्स 200 ईएमए एंड दिस इज द रिटेस्ट लेवल वी कैन सी। आप अगर हम यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं जो कि प्रीवियस हाई था 18 का, जो प्रीवियस हाई जो बायोकॉन ने बनाया था वही हाई आज यहाँ पे बायोकॉन टेस्ट कर रहा है वीकली बेसिस पे। सो व्हाट दिस शोज, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस वॉच किए हैं तो आपको पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की थ्योरी जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ। अर्लियर दिस 350 लेवल एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस एंड नाउ वंस ब्रोकन नाउ वी कैन सी दिस 350 माइट एक्ट एज अ सपोर्ट ओवर हियर। एंड अगर ये सपोर्ट की तरह एक्ट करती है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी द फर्दर रैली टूवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 500 प्लस। तो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि दिस इज द एरिया फॉर एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पिक्स देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर बायोकॉन एट द करंट लेवल्स। यहाँ पे आप कुछ पोजिशन एड कर सकते हैं, देन After this, you can add few more. अगर यहाँ से और market discount करता है तो this is the next area, 320. ये दो region buying opportunity मैं देखता हूँ and with the stop loss of this previous low 230. अगर Biocon इस gap की region को अगर तोड़ देता है 220 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है देन दैट इज द टाइम फॉर द एग्जिट फॉर द इन्वेस्टर्स, अदरवाइज वी कैन सी द अपसाइड ऑफ 550। तो गाइज दिस इज व्हाट आई एम एनालाइजिंग इन द बायोकॉन। आप बायोकॉन में अगर इन्वेस्टर हैं तो आपके क्या व्यूज हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपनी कम्युनिटी में मेरे चैनल को शेयर करिए। अगर आपको कोई और टॉक के एनालिसिस चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं उस पर जरूर वीडियो लेके आऊंगा। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द नाउ।